हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपके लिए एक बार फिर लेके आई हूं होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो हर प्रकार की कंपटीशन जो होम साइंस रिलेटेड है उसमें आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं किस चैप्टर के बारे में हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फूड माइक्रोबायोलॉजी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 201, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो कि हॉलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 202, किसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रस्तुत किया? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने प्रस्तुत किया था? लुई पाश्चर ने। क्वेश्चन नंबर 203, एंथ्रेक्स और क्षय रोग के जीवाणुओं को किसने अलग अलग किया था? इसका उत्तर है रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 204, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 205, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 206, सूक्ष्म जैविकी का स्वर्ण युग द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है 1885 से 1914 के बीच के जो काल होता है, बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 207, बीसीजी वैक्सीन की खोज किसने की? इसका उत्तर है कैल मैटी। क्वेश्चन नंबर 208, डीबीटी वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? डीबीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्टोसिस, पर्टोसिस है काली खांसी, तथा टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसमें तीन तरह के रोग इन्वॉल्व होते हैं, एक हो गया डिप्थीरिया, दूसरा हो गया पर्टोसिस और तीसरा हो गया टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 209, अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने में एसिरिकम बैक्टीरिया सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 210, तंबाकू की पत्तियों को स्वाद एवं सुगंध देने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? इसका उत्तर है बैसिलस मेगाथीरियम। क्वेश्चन नंबर 211, कौन सा जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट तथा अमोनिया के लवणों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं? इसका उत्तर है बैसिलस डीनाइट्रिपिकेंस। क्वेश्चन नंबर 212, पेनिसिलिन बैक्टीरियल बहुगुणन रोकता है क्योंकि? इसका उत्तर है यह कोशिका भित्ति निर्माण रोकता है। क्वेश्चन नंबर 213, ऐसा पदार्थ जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है तथा दूसरे जीव की वृद्धि को संदर्भित करता है? इसका उत्तर है प्रतिजैविक। क्वेश्चन नंबर 214, नींबू में होने वाला कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है जीवाणुओं के द्वारा नींबू में कैंकर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 215, किस जीवाणु का आकार कैसा होता है? ये हम आपको टेबल में करके बताएं, तो उसमें आप अपनी कॉपी में एक टेबल खींचे जिसमें जीवाणु एक तरफ लिखिए, एक तरफ आकार लिखिए और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ उसे आप लिखते जाइए। विब्रियो का क्या होगा? इसका आकार कोमा की तरह होता है। लोफोट्राइकस, ये गुच्छे नुमा होता है। स्पायरिलम, ये सर्पिलाकार होता है। पेरीट्राइकस, ये कशाबिकाओं युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 216, निमोनिया रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 217, टिटनस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? टिटनस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? इसका उत्तर है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी।
क्वेश्चन नंबर 218, टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? इसका उत्तर है साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 219, काली खांसी किस जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? इसका उत्तर है बार्डीला पर्टुसिस। क्वेश्चन नंबर 220, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव जीवाणुओं में मुख्य अंतर किसकी रचना में होता है? इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 221, किसका प्रयोग चाय की पत्तियों में से कड़वाहट हटाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है बेसिलस मेगाथीरियम। क्वेश्चन नंबर 222, किस वैक्सीन को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं? ट्रिपल एंटीजन मतलब तीन रोग होते हैं उसके अंतर्गत, तो कौन कौन से होते हैं, किस वैक्सीन को हम कहते हैं डीपीटी। क्वेश्चन नंबर 223, न्यूमोकोकस जीवाणु पर हुए ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग से किस धारणा की पुष्टि होती है? इसका उत्तर है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इस धारणा की पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 224, जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में किसकी उपस्थिति में समानता पाई जाती है? इसका उत्तर है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 225, चावल की अंगमारी रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है ओराइजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।